से जुड़ी हिस्ट्री। जी हां, ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश अपराधियों के छिपने का गढ़ बनता जा रहा हो, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्ध की हत्या का कनेक्शन निकला है, ड्रग्स की फैक्ट्रियों का शहर शहर खुलासा हो रहा है, एचयूटी का नेटवर्क था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के भी कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, महिला पर अपराध की हर दिन वारदात, ये सब अपराध अपराधियों के गढ़ की तरफ इशारा कर रहा है। उधर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, अपराधी और माफिया हावी हो गए हैं। बीजेपी का पलटवार कि जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है, करेंगे महाडिबेट। रिपोर्ट पहले देख लीजिए। एमपी में अपराध की नर्सरी, गैंगस्टर आतंकियों की हिस्ट्री, हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि जो अपराधी होते हैं, अपराधी मध्य प्रदेश में सड़क स्तरी दे देते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर चार ड्रग्स के मामले में देखिए 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। अरे कितना गिरोगे आप, मध्य प्रदेश को बदनाम करने में दिन रात मेहनत करते हो जीतू भैया, कुछ तो मान रखो। मध्य प्रदेश की सरकार ही इन ड्रग माफियाओं को, अपराधियों पर कार्रवाई कर इनके मंसूबों को तोड़ रही है। शहर शहर जहर की फैक्ट्री, जांच जारी, अधूरी है मिस्ट्री। मध्य के मुख्यमंत्री जी को समय आ गया है कि गृह मंत्री का पद किसी और योग्य व्यक्ति को दे देना चाहिए। हर अपराधी के पीछे कांग्रेस क्यों निकलती है, इसका जवाब देना चाहिए। वो कौन है मनसुख पाटीदार, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप तो अपने सालों से क्या करवा रहे हैं, इस पर तो जवाब दीजिए। जुर्म के हर किरदार का दिल से कनेक्शन, क्या कारण है कि भारतीय एजेंसियों को मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है ताकि ड्रग्स को पकड़ सके, क्या मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है? आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये सुशासन का प्रतीक है कि किसी भी इस तरह की गलत गतिविधियों को मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में जुर्म की फैक्ट्री है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस तरह से अपराध और अपराधियों के कनेक्शन मिल रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है। ड्रग्स की मिस्ट्री अभी सुलझी ही नहीं थी कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का कनेक्शन एमपी से लगाया जा रहा है। उधर सिमी और एचयूटी का कनेक्शन भी एमपी से रहा है। रेप, हत्या, डकैती के मामले तो हर दिन सामने आ रहे हैं। सवाल ये आता है, एमपी में क्या हो रहा है, क्यों देश का दिल अपराध का गढ़ बन रहा है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। कांग्रेस का कहना है कि एमपी अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन जिस तरह से अपराध और अपराधियों का एमपी कनेक्शन निकल रहा है उसका क्या इशारा है, आज इसी पर महाडिबेट। लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं, वो सवाल जिन पर आज की डिबेट फोकस करेगी। पहला सवाल रहेगा, जुर्म के किरदार एमपी से क्यों है कनेक्शन। अगला सवाल रहेगा कि क्या जिस तरह से कांग्रेस हमला कर रही है वैसा ही है, क्या अपराध का गढ़ बन रहा है मध्य प्रदेश। तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा कि अगर सख्ती, जो सरकार की ओर से बार बार सख्ती की बात कही जाती है, अगर सख्ती है तो फिर अपराधी क्यों पनप रहे हैं प्रदेश के अंदर, क्यों आपराधिक वारदातें हो रही हैं, क्यों नहीं अपराधियों के मन में डर है पुलिस का, कानून का, पकड़े जाने का, सजा पाने का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय आपसे करवा लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। अजय सिंह यादव जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मिथुन अहिरवार जी, और साथ ही बतौर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर के शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं मिथुन जी आपसे लूंगी, कांग्रेस लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हमलावर भी रही है प्रदेश की सरकार पर, क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि जो सत्तासीन सरकार है वो विफल हो रही है, नाकाम हो रही है? देखिए, इसका सीधा सीधा कारण है कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, जो कि दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से कर नहीं रहे हैं। यही कारण है कि उज्जैन में दिन दहाड़े एक महिला से सनलाइट में बलात्कार होता है। यही कारण है कि इंदौर में एक महिला को सड़क चलते गाड़ी में हाथ डाल के उसके साथ छेड़छाड़ की जाती। यही कारण है कि खंडवा में एक लड़की जिसके साथ छेड़छाड़ हुई
उसको जला करके मार डाला जाता है, लेकिन भाजपा से यदि कहा जाए कि आपकी सरकार के रहते ये सब हो रहा है, तो ये कहते हैं साहब मध्य प्रदेश को बदनाम मत करिए। हम कहते हैं मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, ये कहते हैं मध्य प्रदेश को बदनाम मत करिए। हम कहते हैं कि अभी झाबुआ में 186 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, ये कहते हैं साहब मध्य प्रदेश को बदनाम मत करिए। हम कहते हैं कि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता दलित समाज के लोगों को केवल अपना रौब दिखाने के लिए गोली मार देते हैं, ये कहते हैं मध्य प्रदेश को बदनाम मत करिए। हम कहते हैं आदिवासियों के ऊपर पेशाब हो रहा है, ये कहते हैं मध्य प्रदेश को आप बदनाम मत करिए। हम कहते हैं दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश को बदनाम मत करिए। तो अगर अपराधियों की समीक्षा करना, अगर अपराधियों के बारे में इन्फॉर्म करना, अगर विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाना और सरकार की नींद को खोलना, अगर मध्य प्रदेश को बदनाम करना है, तो मध्य प्रदेश में जो लगातार अपराध हो रहे हैं, ये क्या मध्य प्रदेश का सम्मान और मान ऊपर उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आप हम पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके विधायक रामेश्वर शर्मा अगर कह देते हैं कि भोपाल एसपी जो ग्रामीण है वो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, आपके अपने विधायक अगर एसीपी के आगे नतमस्तक हैं, अगर आपके नेता अजय विश्नोई कहते हैं कि ये सरकार जो है ये शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत है, अगर आपके नेता गोपाल भार्गव आपकी सरकार से संतुष्ट नहीं है, आपके विधायक प्रदीप लारिया कहते हैं कि यहां जमकर के नशा बहाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार उसको रोक नहीं पा रही है, तो ये भी क्या मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आंख मूंद करके बैठे और यही कारण मध्य प्रदेश में लगातार अपराध और अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। अजय सिंह यादव जी, मिथुन अहिरवार के आपने सवाल भी सुन लिए, आरोप भी सुन लिए। मेरा सवाल ये भी है कि मुंबई में एक कत्ल होता है एक बड़े नेता का, और उस कत्ल के तार एमपी से भी जुड़ते हैं। उन तारों को जोड़ने के लिए यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी चप्पा चप्पा खंगालती है, उज्जैन क्राइम ब्रांच भी। क्यों ऐसा हो रहा है कि आए दिन अपराध की जो वारदातें वो तो हो ही रही है, साथ ही अपराधियों के लिए एक सेफ होम, एक शेल्टर होम क्या मध्य प्रदेश बन रहा है? देखिए अपर्णा जी, मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, और जितने भी तरह के अपराधियों के नाम गिनाए जा रहे हैं सभी मामलों में सरकार द्वारा कार्रवाइयां की गई हैं। यहां किसी तरह के अपराध को जगह नहीं है। अगर कांग्रेस के नेता इस तरह की बात करेंगे तो उन्हें अपने समय को भी याद कर लेना चाहिए। मैं दो तीन महत्वपूर्ण चीजें कोट करना चाहूंगा। इसी भोपाल में राजधानी में दिग्विजय सिंह की सरकार में अबू सलीम और मोनिका बेदी फर्जी नगर निगम से आवास का प्रमाण पत्र ले गए थे और यही भोपाल में पासपोर्ट बन गया था, और सरकार को भनक तक नहीं थी। नक्सलवादियों ने आपके मंत्री लिखीराम कांवरे की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, तब कहां चली गई थी कांग्रेस की सरकार? और महिला अपराधों पर बात करने वाले सरला मिश्रा कांग्रेस की नेत्री, जिसकी हत्या के तार आपके मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचे थे, और ऐसे लोग आज बात करते हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार कार्रवाई की है, जितने भी मामले आपने गिनाए हैं किसी भी मामले में कोई आरोपी बाहर नहीं है, और कांग्रेस तो नकारा और निकम्मा विपक्ष है। कांग्रेस तो केवल ऐसे अपराधों पे हाथ सेकता है, कहते हैं कि पूरे प्रदेश में ड्रग्स बिक रही, हम पूछते हैं आपके पास जानकारी है तो दे दो हम ध्वस्त कर देते हैं, तो एक भी जानकारी नहीं देते। उमंग सिंगार तो कहते हैं ना कि दिग्विजय सिंह सबसे बड़े माफिया है, तो प्रदेश के हित में आप जानकारियां भी दीजिए। सरकार द्वारा चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले हो, सभी मामलों में कार्रवाई हो। दिग्विजय सिंह सरकार ने, गृह राज्य मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि मैं अपनी जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहा हूं, मुझे स्वयं हथियार उठाना पड़ेगा क्योंकि मेरा क्षेत्र डकैत प्रभावी है, नक्सल आपके इलाके में, सिमी का पूरा नेटवर्क मध्य प्रदेश में बना तो कांग्रेस की सरकार में, उसे ध्वस्त किया हमारी सरकार ने, नक्सलवाद को ध्वस्त किया हमारी सरकार ने, डकैत समस्या को समाप्त किया हमारी सरकार ने, और महिला अपराधों के जो आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं ये सबको दिख रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता परेशान है, ड्रग माफिया पे कार्रवाई हुई, झाबुआ में इतना बड़ा ड्रग माफिया पकड़ा गया, हम क्यों ना कह दें कि आपके नेता कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया क्या कर रहे थे अभी तक? उनने कभी पुलिस को कोई इनपुट दिया? अगर उनके क्षेत्र में इस तरह का माफिया चल रहा था तो आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी मिलीभगत है माफिया से, मिलीभगत है माफिया से। मैथिली शरण गुप्त जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? सर जी, सर मेरा सवाल आपसे ये है सीधा सीधा, सीएम बोल रहे हैं इंदौर का रुख कर लेते हैं, पहले मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। हमारे सोचने का अंत जहां होता है वहां से संत की यात्रा चालू होती है, ये परमात्मा की कृपा। हमारी
दायरे सीमित हो सकते हैं, इसलिए हमारी सीमा है, लेकिन ऋषि मुनियों की, संतों की, उनकी सोचने की सीमा नहीं होती। तो देवता और मनुष्य के बीच में जो विद्यमान होते हैं, वो सभी संत होते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे अपने सनातन धर्म की विशेषता है। अभी इस मंच पर मैं संत सेवालाल जी महाराज के वंशज धर्मगुरु श्री संत शेखर महाराज जी काशी तीर्थ क्षेत्र पोहरी के भी आए, आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके प्रणाम करें अपने महाराज जी को। संत विष्णु बापू जी राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, आपको भी प्रणाम करता हूं महाराज जी। संत सुखदेव चैतन्य महाराज ओंकारेश्वर से आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, जोरदार अभिनंदन करो माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब का, और सम आदरणीय तुलसी भैया, जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने कोई भी भगवान का भोग लगे और तुलसी दल नहीं डले तो पूजा नहीं मानी जाती। और हमारा सौभाग्य है, हमारे सभी प्रकार के भावनाओं के पुष्प जब अर्पित करते हैं तो शासन की सेवाओं के माध्यम से, तो आपकी मौजूदगी हमारे अपने उस पूरे होने वाले अच्छे भाव के पकवान का आनंद देते। जोरदार अभिनंदन करो तुलसी भैया के लिए भी। मंच पर ही विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर भैया, जोरदार अभिनंदन। हम तो महाकाल वाले हैं भाई, बोले महाकाल महाराज की। और महाराज जी ओंकारेश्वर से पधारे, ओंकारेश्वर महाराज की। मंच पर विराजमान हमारी अपनी बहन। तो इंदौर से आप सीएम को सुन रहे थे, यहाँ कार्यक्रम हुआ है और 4 फ्लाईओवर का लोकार्पण भी किया गया है। वापस रुक कर लेते हैं एक बार महाडिबेट का। मैथिली शरण गुप्त जी, मेरा आपसे सवाल था, मैं समझना चाह रही थी आपसे, जो अपराधियों को जिस तरह से डील किया जाता है, तो अपराधी जब एक जगह पर वारदात को अंजाम देते हैं, मुंबई में कत्ल करते हैं और फिर एमपी से उनके तार जुड़ते हैं, HUT सिमी के भी कनेक्शन इससे पहले एमपी से भी सामने आते रहे, क्या जो लोकेशन ऐसी होती है जहां पर सेफ फील करते हैं अपराधी, वहीं पर शरण लेते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अपराधी निश्चित तौर पर सेफ जगह, जहां उन्हें कहीं संरक्षण मिल सकता है, उस जगह को वो तलाशते हैं, और उस प्रक्रिया के तहत वो ऐसी जगह को खोजते हैं जहां उन्हें प्रश्रय मिल सकता है, उन पर संदेह नहीं जाएगा, और यदि वो वहाँ पर कुछ राजनेताओं का या उनका प्रश्रय यदि उसको प्राप्त है तो उस जगह को और ज़्यादा वो चुनते हैं, और उससे फायदा ये निकलता है कि पुलिस का उस पर ध्यान नहीं जाता है जी। अच्छा, दूसरी बात है, जो हमारी ओल्ड पुलिसिंग थी जिसके तहत अपराधी कहीं मूव करता था तो उसका ट्रैक रखा जाता था, अब इतनी आबादी बढ़ गई है, पुलिस जो है ढेर सारे कामों में व्यस्त है, पुलिस वाले जो है वो राजनीतिक आधार पर उनको पोस्टिंग मिलती है, तो वो हमेशा बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप को जो है साधने में लगे रहते हैं, उनकी पूरी एनर्जी अपराधियों को पकड़ने में नहीं निकलती है। और हमें जो है संस्थागत और व्यवस्थागत परिवर्तन लाने के बारे में बात करना चाहिए जी। तो पूरी एनर्जी अपराधियों को पकड़ने के बजाय अलग अलग इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लग जाती है। लौटूंगे सर आपके पास, यहाँ पर डॉक्टर शुक्ला, जो शुक्ला डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर आर के शुक्ला को भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। डॉक्टर आर के शुक्ला, यहाँ पर कांग्रेस सरकार की नाकामियां बता रही है और बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि कार्रवाई हुई है, अपराध हुए हैं तो अपराधियों पर एक्शन भी लिया गया है, क्या यही एक वजह काफी है पीठ थपथपाने के लिए, या ये भी देखना होगा कि अपराध रुक नहीं रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना सिर्फ मुद्रा कुश्ती है, इससे अधिक कुछ नहीं है। हाँ,
20 साल पहले जो अपराध हुए थे अगर वो अपराध आज हो रहे हैं तो फिर जनता को सत्ता परिवर्तन का करने का क्या फायदा। दूसरी चीज, अपराध होने के बाद एक्शन लेना अलग चीज है और अपराध होने को होने से पहले उस पर कंट्रोल करना अलग चीज है। अभी जो हमारे प्रदेश में पिछले 8-10 दिन में दो ड्रग्स माफिया पकड़े गए हैं या दो ड्रग्स से संबंधित केस की बर्दात हुई है, भोपाल में हुई है 1814 करोड़ की, झाबुआ में हुई है 170 करोड़ की। ये अपराध रोके जा सकते थे और अगर इनमें पुलिस इनको पकड़ने ये अपराध घटित हो जाने के बाद एक्शन में आती है तो निश्चित रूप से पुलिस कार्य कर रही है। हम पुलिस का मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं लेकिन इसमें कोई भी सरकार या अपनी खुद की पीठ थपथपाने का भी क्रेडिट नहीं ले सकती क्योंकि अपराध घटित हो जाने के बाद लौटूंगी आपके पास। एक बार वापस रुक कर लेते हैं इंदौर का। इस सनातन धर्म के लिए बंजारा समाज ने जो